दोस्तों मैं अगर आपको कहूं कि आपके ट्रू कॉलर के नाम के साथ वहां पे ब्लू टिक आपको देखने को मिलेगा आपका प्रोफाइल पे, जिसको भी आप फ़ोन करोगे उसके पास आपका ब्लू टिक जो है वहां पे साथ में जाएगा, बहुत ही कूल बहुत ही अमेजिंग देखने को लगेगा गाइस। एंड आपको ये भी बता दो गाइस कि आपको बहुत सारा फीचर और भी मिलने वाला है अगर आपको ब्लू टिक आ गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लू टिक कैसे लाएंगे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो उसके लिए आपका जो ट्रू कॉलर है उसको ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे देखने को मिलेगा सारा का सारा ऑप्शन। तो यहाँ पे करना क्या होगा गाइस, जो भी आपका प्रोफाइल पिक्चर सबसे पहले लगाएंगे, यहाँ पे जो है एक फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस। आपको एक फ़ोटो ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें आपका फेस दिखता हो, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा फ़ोटो दे दिया गया ऐसा कुछ नहीं, आपको फेस दिखने से मतलब है। चलिए यहाँ पे ये फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करने है, सबसे पहले एडजस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नेम का ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे आपको अपना ओरिजिनल नेम देना है, जो कि अगर आप आधार कार्ड से अपना सिम निकाले हो तो आधार कार्ड में जो नंबर है गाइस, जो नाम है आपका, वही आपको नाम यहाँ पे सेम टू सेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम टाइप करना है एंड उसके बाद फिर से नीचे चले जाएंगे। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे वही नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है जिस पे आप ब्लू टिक लेना चाहते हो एंड यहाँ पे आपको जो नीचे का ऑप्शन मिलेगा गाइस वहाँ पे जीमेल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जीमेल भी दे देना पड़ेगा आपको। लास्टली आपको यहाँ पे जीमेल दे दिया गाइस, उसके बाद बर्थडे भी आपको देना पड़ेगा, बर्थडे जो कि आपका ओरिजिनल है गाइस जो आधार कार्ड में होगा वही आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मंथ डे एंड ईयर वही सेलेक्ट करना है आपको सही से, बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए गाइस, नहीं तो आपको ब्लू टिक नहीं मिलने वाला है। फिर आपको सही से यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये काम करना है एंड यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है मेल या फीमेल एंड एड्रेस पे आप दे सकते हो कुछ भी स्ट्रीट, बाकी जिप कोड देने का कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अगर देना चाहते हो दे सकते हो, बाकी एड्रेस में उतना मैटर नहीं करता है गाइस, एड्रेस तो पता होता है आपको कि कहाँ से आप सिम निकाले हो, आधार कार्ड में सब मेंशन होता है आपका। तो यहाँ पे जो है स्टेट पे आप दे सकते हो, वेस्ट बंगाल मैं दे दिया, बाकी आपका अपना स्टेट का नाम दे देना, यहाँ पे सिटी का नाम दे सकते हो एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइस अबाउट का ऑप्शन। तो अबाउट जो आपका कोई अगर कंपनी वंपनी है तो आप दे सकते हो और भी जल्दी आपको मिल जाएगा ब्लू टिक कंपनी। उसके बाद यहाँ पे टाइटल मतलब कंपनी का नाम देना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको दे देना पड़ेगा गाइस वेबसाइट, जो भी आपका कंपनी का वेबसाइट होगा। तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का जो लिंक होता है गाइस वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी लिंक यहाँ पे दे सकते हो। अपना फेसबुक का भी कोई प्रोफाइल का जो लिंक है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो एंड यहाँ पे आपको देखने को नीचे की तरफ अबाउट मी का ऑप्शन। ओके अबाउट मी पे चले जाते हैं, चलिए अबाउट मी, यहाँ पे अबाउट मी पे आप कुछ भी अपने बारे में दे सकते हो गाइस, जो कि आपको मतलब आपका जो भी प्रोफाइल में घुसेगा उसको देखने को मिलेगा ये सारा ऑप्शन। यहाँ पे ऐड टैग भी दे सकते हो। उसके बाद लास्टली आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक नहीं करना है गाइस, सेव के ऊपर आपको एक ब्लू कलर का लाइन देखने को मिलेगा जो कि हेल्प एंड सपोर्ट का है, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ को देखने को मिलेगा उसका जीमेल, जो कि ट्रू कॉलर का जीमेल होता है गाइस, यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट पर क्लिक करना है, सब्जेक्ट पर आपको लिखना है वेरीफिकेशन बैच, आप क्या चाहते हो गाइस वेरीफिकेशन बैच यानी ब्लू टिक चाहते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में वेरीफिकेशन बैच लिख देंगे, आपको स्पेलिंग सही से लिखना होगा वेरीफिकेशन बैच एंड नीचे की तरफ जो है गाइस यहाँ पे कंपोज ईमेल में आपको टाइप करना है कि आप क्या चाहते हो, मतलब थोड़ा डिस्क्राइब करके यहाँ पे दो लाइन लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ गाइस कि क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चलिए अटैच ए वेरीफिकेशन बैच टू माई ट्रू कॉलर प्रोफाइल, ऐसा कुछ लिख देना पड़ेगा आपको, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ गाइस वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखा हूँ अटैच वेरीफाई टिक, ओके ये सही शायद ये सही रहेगा गाइस, अटैच वेरीफाई टिक ऑन माय ट्रू कॉलर प्रोफाइल या फिर ट्रू कॉलर आईडी, ऐसा लिखने के बाद आपको ट्रू कॉलर प्रोफाइल, ओके गाइस यहाँ पे ट्रू कॉलर प्रोफाइल लिख दे रहा हूँ मैं। तब तक आज वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस, वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके इफ एज सुन एज पॉसिबल भी आपको लिख देना है गाइस लास्ट में, अटैच वेरीफाई टिक टू माई प्रोफाइल एज सुन एज पॉसिबल एंड उसके बाद यहाँ पे लास्टली आपको यहाँ पे अब सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे गाइस तो आपका प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हैं कि 90% कंप्लीट, अगर आपका ब्लू टिक मिल जाएगा गाइस तो यहाँ पे 100% कंप्लीट देखने को मिलेगा और ब्लू टिक आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा गाइस किसी भी प्रोफाइल पे। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना।